नमस्ते। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। जैसा कि ये पार्ट सेकंड है, तो इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप एक बार ज़रूर जाकर उसको देखिए, ताकि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसे समझने के लिए उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप शुरू से अगर इन चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट फर्स्ट को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जैसा कि मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि मेमोरी जो है वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हमने कल डिस्कस कर लिया था। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम होते हैं, और रोम के अपन ने कुछ पार्ट देख लिए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी को। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। उसके अंदर हम देख रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी में हमारे सामने सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क। जैसा कि फोटो में दिखा रखा है, हार्ड डिस्क कैसी होती है? द हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज अ हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी बोला जाता है। इट इज़ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क दैट स्टोर्स डाटा परमानेंटली। ये एक कठोर मैग्नेटिक डिस्क होती है, मतलब ये जो डिस्क है ये एक सॉलिड मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कि डाटा को परमानेंटली सेव रखती है। और डाटा को जो परमानेंटली सेव रखती है उस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है, एज इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, वोलेटाइल मेमोरी जो होती है, रैम जो होती है, एक वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है, जिसके अंदर डाटा जो है कंप्यूटर के ऑफ होते ही डिलीट हो जाता है। जबकि हार्ड डिस्क जो है ये एक परमानेंट स्टोरेज है, इसके अंदर डाटा कंप्यूटर के ऑफ हो जाने के बाद भी हटता नहीं है। द हार्ड डिस्क इज लोकेटेड विद इन द ड्राइव यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर एक ड्राइव यूनिट होती है, उस ड्राइव यूनिट के अंदर इस हार्ड डिस्क को शिफ्ट प्लेस किया जाता है, वहाँ पर ये ड्राइव रखी हुई होती है और इसका कनेक्शन कर दिया जाता है, उसके बाद ये वर्क करती है। तो ये था हार्ड डिस्क। नेक्स्ट हम चलते हैं अब सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? जैसा कि आपको फोटो के अंदर दिख ही रहा है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव इज ऑल्सो नो अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम। ये भी एक तरीके का कैसा है? तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज ही होता है, मतलब इसके अंदर भी डाटा एक बार डाल दिया गया है तो वो कंप्यूटर के ऑफ होने पर मिटेगा नहीं। दैट इज़ यूज टू होल्ड एंड एक्सेस डाटा। ये भी काई के लिए यूज़ होता है? तो वही बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह ही, ये भी डाटा को सेव करने के लिए ही यूज़ होता है। बट अनलाइक अ हार्ड ड्राइव इट डज़ नॉट हैविंग मूविंग कॉम्पोनेंट्स। बट जैसा कि हमने हार्ड डिस्क के अंदर देखा था कि ये जो डिस्क होती है इसके अंदर कुछ मूविंग कॉम्पोनेंट्स लगे हुए होते हैं। ये जितने भी हैं ये सभी मूविंग कॉम्पोनेंट्स हैं, मतलब हिलते डुलते कॉम्पोनेंट्स होते हैं। जबकि SSD के अंदर इस तरीके का कोई भी हिलता डुलता कोई पार्ट होता नहीं है। ये इसका नाम ही क्या है? सॉलिड स्टेट, मतलब ये एक सॉलिड स्टेट की ड्राइव है, इसमें कोई भी मूविंग पार्टिकल नहीं होता है। ये बिल्कुल अपने अंदर कुछ चिप्स को लेकर चलती है, मतलब जैसे ICs वगैरह होती है, ये उसके अंदर बनी हुई होती है। सो इट ऑफर्स मैनी एडवांटेजेस ओवर SSD। तो ये हार्ड ड्राइव के मुकाबले बहुत ज़्यादा अपने को फ़ायदे देती है, जैसे कि सच एज फास्टर एक्सेस टाइम। जैसे कि इसके अंदर जो डाटा है वो फास्ट हम रन करवा सकते हैं, लोड करवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड इसके अंदर डाटा को फास्ट कर सकते हैं। नॉइजलेस ऑपरेशन, आपने कभी नोटिस किया होगा हार्ड ड्राइव जब रन होती है तो उसके अंदर एक जो मैग्नेटिक डिस्क के घूमने की एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती पर एक आवाज़ होती ज़रूर है। तो SSD के अंदर इस तरीके की कोई भी आवाज़ होती नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही देख रखा है, इट डज़ नॉट हैव मूविंग कॉम्पोनेंट्स। इसके अंदर कोई मूविंग कॉम्पोनेंट्स नहीं होते, इस वजह से ये किसी भी प्रकार की आवाज़ करती नहीं है। लेस पावर कंजप्शन, इसके अंदर जो पावर भी कम यूज़ होता है हार्ड ड्राइव के मुकाबले, इस SSD के अंदर पावर भी कम यूज़ होता है। और भी बहुत सारे इसके अंदर एडवांटेजेस हैं हमको हार्ड ड्राइव के एवज में। तो ये एक हार्ड ड्राइव का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आजकल मार्केट के अंदर
मूवेबल एसएसडी भी आने लग गई है, मतलब कि लैपटॉप के अंदर हम बाहर से बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह कैसे एक एसएसडी यूज़ कर सकते हैं और उसी एसएसडी को हम कहीं पर भी ले जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये आजकल मार्केट के अंदर मूविंग मतलब कहीं भी ले जाने लायक भी एसएसडी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर हम पढ़ेंगे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से आप जैसा कि सभी वाकिफ़ हैं, पेन ड्राइव भी एक मूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो पेन ड्राइव इज़ अ कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। पेन ड्राइव क्या है? एक कॉम्पैक्ट स्टोरेज डिवाइस है। कॉम्पैक्ट मतलब काफ़ी छोटी आकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूएसबी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव और जंप ड्राइव। तो इसको इन तीन नामों से भी बोला जा सकता है, कुल मिला के इसके चार नाम हो गए, एक तो पेन ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव और दूसरा जंप ड्राइव। तो इस तरीके से इसके इतने सारे नाम हो सकते हैं। इट इज़ कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर वी यूएसबी पोर्ट्स। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर कुछ यूएसबी पोर्ट दे रखे होते हैं, उन यूएसबी पोर्ट के अंदर ये फिट होती है। इट इज़ कॉमनली यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स। इसका ज़्यादातर यूज़ होता है तो कंप्यूटर्स के आपस में डाटा शेयर करने के लिए इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, मतलब एक कंप्यूटर से डाटा को दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ डेली लाइफ में हम लोग करते ही हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हम देखेंगे एसडी कार्ड्स। एसडी कार्ड जो हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर यूज़ होते हैं वही एसडी कार्ड यही है। तो एसडी कार्ड स्टैंड फॉर सिक्योरिटी डिजिटल सिक्योर डिजिटल कार्ड। इस एसडी की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो गया, सिक्योर डिजिटल और कार्ड ये, तो सिक्योर डिजिटल कार्ड। इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड इन पोर्टेबल एंड मोबाइल डिवाइसेस। इसका ज़्यादातर यूज़ पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर होता है। पोर्टेबल मतलब जिसको हम कहीं भी लाया ले जा सकते हैं, ऐसी डिवाइसेस के अंदर इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेस, जैसे कि स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरास के अंदर, डिजिटल जो कैमरा होते हैं और स्मार्टफोन के अंदर इस कार्ड का ज़्यादा यूज़ होता है। यू कैन रिमूव इट फ्रॉम योर डिवाइसेस। आप इसको अपनी डिवाइस में से बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसा कि कोई कैमरा या स्मार्टफोन के अंदर एसडी कार्ड लगा होता है तो हम उस एसडी कार्ड को बाहर भी निकाल सकते हैं। सी द थिंग्स स्टोर्ड इन इट यूजिंग अ कंप्यूटर वीया विथ अ कार्ड रीडर। और जो भी डाटा इस कार्ड के अंदर भरा हुआ है उसको हम कंप्यूटर के अंदर जाकर देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट वगैरह सारे काम उस डाटा पर हम कर सकते हैं। बट इस कार्ड को कंप्यूटर में चलाने के लिए हमें एक कार्ड रीडर की आवश्यकता होती है। ये कार्ड जो है उस कार्ड रीडर डिवाइस में लगता है और उस कार्ड रीडर को यूएसबी के थ्रू कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जिससे कि ये कार्ड जो है हम इसको एक्सेस कर पाते हैं कंप्यूटर के अंदर, मतलब इसका उपयोग, इसके डाटा का उपयोग हम कंप्यूटर में कर पाते हैं। तो ये हुआ एसडी कार्ड। नेक्स्ट हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर लेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फोटो के अंदर। इस चीज़ से भी आप सभी वाकिफ़ होंगे, ये सीडी का फुल फॉर्म ही होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सीडी भी एक क्या है, पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब इसको भी कहीं भी लाया ले जा सकता है। इन द शेप ऑफ अ राउंड मीडियम डिस्क। ये कैसी होती है, तो राउंड शेप की होती है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फोटो के अंदर। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। ये जो मटेरियल का यूज़ किया गया है, मतलब इसके अंदर ये सीडी के अंदर मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो कौन से टाइप का होता है, तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक यूज़ होता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो इसकी चमकदार जो परत होती है, ये जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ये जो ये एक्चुअल में तांबे के बहुत ही पतले वायर, इसके अंदर उनकी कुंडली बनाई दी जाती, बहुत सारे वायर लगा कर इसमें कुंडली लगा दी जाती है, इस वजह से आपको ये सुनहरे कलर में चमकती हुई दिखती है। उसके ऊपर फिर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का कवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके की होती है ये कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट सेकेंडरी डिवाइस के अंदर हम चलेंगे डीवीडी। अब ये भी दिखने में तो एकदम सीडी जैसी ही दिख रही है, फिर इसके अंदर अंतर क्या है, तो आइए हम देखते हैं। डीवीडी शॉर्ट फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म जो है यहाँ पर दे रखी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, तो हम इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। ये भी किस तरीके का ऑप्टिकल मीडिया
तरीके का ही एक स्टोरेज होता है। ऑप्टिकल मीडिया से क्या मतलब है? ऑप्टिकल मीडिया मतलब कि ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसको हम रेज के माध्यम से एक्सेस करते हैं, जैसे कि सीडी हो गई, डीवीडी हो गई। इनके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, तो रेज मतलब कि किरणें गिरती है और उन किरणों के माध्यम से डाटा को एक्सेस किया जाता है। जैसे कि यूएसबी के अंदर, यूएसबी के अंदर किरणों का कोई काम नहीं होता है, उसके अंदर डिजिटल मतलब इलेक्ट्रिकली डाटा का आदान प्रदान होता है। बट जबकि डीवीडी और सीडी के अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल रेज गिराई जाती है, उसके माध्यम से ये वर्क करती है। तो ये एक ऑप्टिकल मीडिया है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑप्टिकल डाटा। इसके अंदर ऑप्टिकल डाटा, ऑप्टिकल तरीके से डाटा को स्टोर किया जाता है। ऑल दो इट हैज सेम साइज एज अ सीडी, वैसे तो इसका जो फिजिकल साइज जो है, मतलब अगर आप देखने में इसका साइज देखोगे तो बिल्कुल सीडी की तरह ही होता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज मच मोर देन अ सीडी। वैसे तो साइज़ तो दिखने में साइज़ सेम होता है, बट इसके अंदर जो डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो सीडी से कई गुना ज़्यादा होती है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, सीडी के अंदर मैक्सिमम हम 700-800 एमबी का डाटा फिल कर सकते हैं। 700 से 800 के एमबी के बीच का डाटा हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं, जबकि एक डीवीडी के अंदर हम 4 GB तक का डाटा भी फिल कर सकते हैं। 4 GB मतलब कि ये समझ लीजिए काफ़ी ये हो गया, 5 CD जितना हम इसके अंदर डाटा फिल कर सकते हैं। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग मूवीज़। इसका बहुत ज़्यादा इसलिए यूज़ होता है मूवीज़ मतलब पिक्चर को स्टोर करने में, उनको देखने के लिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टू डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, जितने भी कंपनीज़ अपने सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने होती है, जैसे एडोब हो गया, कॉरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये जितनी भी जो कंपनियाँ अपने सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्हीं सीडीज़ का यूज़ करती हैं। आपने कभी भी एंटीवायरस अपने लिए कंप्यूटर के लिए परचेस किया हो तो आपने देखा होगा वो हमेशा एक सीडी के अंदर आता है। तो वो सीडी के अंदर आने वाले जो सॉफ्टवेयर है वो डीवीडी होती है। एक्चुअल में वो डिस्क किस टाइप की होती है, डीवीडी होती है, क्योंकि उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो डीवीडी का यूज़ बड़े सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी किया जाता है, एज दे आर टू लार्ज टू फिट ऑन अ सीडी, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं ये एक सीडी में स्टोर होने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब कि इनका सीडी के अंदर स्टोरेज किया जा सकता नहीं है, इस वजह से इनको डीवीडी के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये देखा हमने डीवीडी। आगे हम डीवीडी के बारे में और देखें तो डीवीडी जो है वो 3 टाइप की होती है। डीवीडीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 main categories विच आर एज फॉलोज, कौन कौन सी तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है डीवीडी रोम, रीड ओनली, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब डीवीडी को ऐसी डीवीडी जिसके अंदर एक बार डाटा आपने डाल दिया, अब वो डाटा ना तो डिलीट हो सकता है, नहीं उस डाटा के अंदर आप कोई चेंज कर सकते हो, तो ऐसी डीवीडी जो होती है वो डीवीडी रोम होती है। नेक्स्ट आपके सामने है डीवीडी आर, राइटेबल। डीवीडी आर का मतलब ये है कि एक बार जो आपने डाटा डाल दिया उसके बाद आप उसके अंदर डाटा तो डाल सकते हो, बट उसके अंदर से डाटा आप निकाल सकते नहीं हो। एक बार जो डाटा डाल दिया गया है वो डल जाएगा, उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते नहीं हो, मतलब स्टोरेज वापस खाली आप कर सकते नहीं हो। नेक्स्ट आपके सामने आता है डीवीडी आरडब्ल्यू, रीराइटेबल और इरेजेबल, मतलब एक ऐसी डीवीडी जिसके अंदर आप डाटा मनचाही बार आप डाल भी सकते हो, मनचाही बार उसके अंदर से डाटा निकाल भी सकते हो, मतलब आप स्टोरेज को फिल भी कर सकते हो और स्टोरेज को उसके अंदर से खाली भी कर सकते हो। तो ऐसी डीवीडी होती है डीवीडी रीराइटेबल। तो इस तरीके से 3 टाइप की हमने डीवीडी देखी, और यही हमारे पास कुछ जो आज हमने देखे, ये 6 टाइप के हमारे पास सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। ऐसी बहुत सारी अलग अलग सेकेंडरी डिवाइसेस भी होती हैं, ख़ास तरीके से जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ में आती है उनको मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है। तो एज यू नो कि मैं कुछ क्वेश्चंस ज़रूर दूंगा आपको, तो आप ये वीडियो को अच्छे से समझने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चंस क्या हैं तो हम देख लेते हैं। विच इज़ मोर पावर सेवर, हार्ड डिस्क और SSD। अब आपको यहाँ पर बताना है कि हार्ड डिस्क या फिर SSD में से पावर सेवर ज़्यादा कौन सा है। पावर सेवर का मतलब कौन ज़्यादा पावर सेविंग करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेव कौन ज़्यादा करता है, हार्ड डिस्क या फिर SSD, पता आपको करना है। सेकेंडरी डिवाइस इज़ ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव, कौन सी सेकेंडरी डिवाइस को USB फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसडी कार्ड, एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। सीडी इज़ मेड अप ऑफ विच मटेरियल, सीडी जो हमने अभी देखा था वो कौन से मटेरियल की बनी होती है वो आप ज़रूर बताएंगे। विच आर द थ्री टाइप्स ऑफ डीवीडी, डीवीडी के थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आप ये सभी क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ कर इनको अपने मन से आंसर देने की कोशिश करिएगा। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप दोनों वीडियो को एक बार मिला कर देखेंगे तो हो सकता है ये आपको चैप्टर कंप्लीट अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।